दस्ताने देखने भाई साहब, यही है सर्दी के हिसाब से चाहिए यार। हवा आर पर नहीं हो, मोटरसाइकिल चलाए तो हवा क्या, पानी पार पार नहीं होगा, हाथ डाल के देखो पानी में। अठा पूर्व है वो आपके हाथ में। अच्छा क्या लग रहा आपके? ये कैमरा ये रिकॉर्डिंग बनाता है, बंद कर। हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों यार ऑफिस से निकल रहा हूँ इस वक्त, और भाई साहब सर्दी का स्टेटस मत पूछिए आप, भयंकर ठंड है भाई, भयंकर, बर्दाश्त भी नहीं हो रही है भाई साहब। दो दो मोटी मोटी जैकेट पहनने के बाद भी ठंड लग रही है खतरनाक वाली, मतलब आज से हल्का हल्का कोहरा शुरू हो गया। अरे भाई साहब डेगो डीजे वालों की गाड़ी ऐसी चारों तरफ रंगीले रंगीली वाली लाइटें जला रखी है भाई ने, पूरी बाइक को डीजे बना रखा एकदम ब्लू ब्लू सा। तो भाई ठंड ये है कि क्लच दबाने के लिए हाथ निकालने की इच्छा भी नहीं होती, जैकेट की जेब में एक हाथ ठूस कर बाइक चलानी पड़ती है। गया ग्लव्स नहीं पहने यार मैंने, मेरे जो पिछले वाले ग्लव्स है ना वो टाइट हो चुके हैं, तो मेरे को नए ग्लव्स भी परचेज करने हैं। तो देखते हैं अभी चलते हैं किसी अच्छी सी दुकान पे, हो वोल्वो XC90। चलो अपन इस वाली लाइन में लगाते हैं, इधर लगा लेते हैं, इधर भीड़ कम है। ओहो भाई सब पिस्टल टांग रखी इस बंदे ने, तो बॉडी गार्ड लगता है ये। दिख रही बंदे की गन, जब भाई ने पेट्रोल भरवाया एक पर्ची भर के दी वो पिस्टल वाले बंदे ने, और काम हो गया। सरकारी आदमी था क्या, पर्ची पर कुछ लिख के दिया, और शायद इसने वाउचर भरा होगा। अबे तेरे को रास्ता पार करना है फोन पर बात करते हुए, साले यूं नहीं के रुक जाए, बाइक से ज़्यादा तेज है ये, पहले निकल जाएगा, सुपरमैन हो रहा कतई। देखो ऊपर रूफ टॉप पे माहौल जमा रखा है इन रेस्टोरेंट वालों ने, बढ़िया दारू पिलाते हैं ऊपर बिठा के। तो यार मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूँ, मैंने सुना कि यहाँ पे एक बिनानी सभागार में कोई सेल वेल लगी हुई है वुलन की, देखते हैं वहाँ पे अगर बढ़िया ग्लव्स मिलते हैं तो खरीद लेते हैं। यार ठंड हो गई है तेज, पुराने वाले टाइट हो गए। हाँ ये वाली सेल लगी पड़ी है, चलो अंदर लेते हैं। इसमें जोकी की सेल है भाई साहब, फैक्ट्री आउटलेट वाली, चलो ट्राई करते हैं इस पे चल के। यार इस वाली सेल पे तो ग्लव्स नहीं मिले, चलिए कहीं और ट्राई करते हैं। CAD सर्कल वाले जो रोड पे चलते हैं अपन, वहाँ ये मिल जाना चाहिए। तुम मेरे, अरे भाई साहब अंकल जी एकदम क्या हो रहा है अंकल जी को, अंकल जी पूरी भाई गाड़ी चलाते लगता, फुल एक्सेलरेटर पे एकदम से क्लच छोड़ रहे हैं झटके से। चुरा लिया, थोड़ा सा रॉन्ग साइड डालना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर काट कर मैं नहीं आ सकता, सिस्टमेटिक तरीके से तो बहुत ही गलत बना दिया उन्होंने। मैडम जी पीछे मत लीजिए बिना देखे, पीछे हम हैं तो इस तरफ मेरे को काटना पड़ेगा एक बार। ये बढ़िया चौराहा घोड़े वाले बाबा सर्कल, खरीदारी करने वाला इंडियन कंज्यूमर की जो पहचान है वो ये है कि सड़क किनारे जो चीज़ें मिलती हैं वो सस्ती भी मिलती हैं और अच्छी भी मिलती हैं, तो एक नज़र यहाँ पर मार लेना चाहिए। सही है, पूछ लेते भाई से, भाई ग्लव्स मिल जाएंगे क्या? ग्लव्स हाथों के दस्ताने ये वाले, यार ये तो पतले ज़्यादा हैं, ये ही इनके अलावा नहीं और? यार एक्चुअली इनमें क्या बाइक पे ठंड आर पार होगी। हाँ अच्छा, वही कन्फ्यूजन है कि ऐसा ना हो कि वो बाइक चलाने में क्या हवा नहीं घुसना चाहिए। देख लो मैं यहाँ तक बाइक से राउंड मार के आऊंगा, अगर हवा लग गई तो इधर वापस दे जाऊंगा। चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं यार, 2 मिनट रखो इसको, ले जाऊंगा मैं, बट मैं आगे एक बार मेरी तसल्ली के लिए देख के आ जाता हूँ, दूसरे ऑप्शन मिल गए तो ठीक है वरना मैं ले जाऊंगा, है ना। ओके दोस्त, थोड़ा आगे चल के यार एक बार देख लेते हैं, बेटर ऑप्शन मिल जाता है अगर। देखो इंडियन कंज्यूमर है, हमारी आदत है ऑप्शन और वैरायटी चेक करना, तो खैर गलत बात है ही नहीं। इस भाई के पास थोड़ी दिख रही है यार, दस्ताने देखने भाई साहब, यही है सर्दी के हिसाब से चाहिए यार। हवा आर पार नहीं हो, मोटरसाइकिल चलाए तो हवा क्या, पानी पार पार नहीं होगा, हाथ डाल के देखो पानी में। अरे नहीं नहीं पानी तो कहाँ से ढूंढने जाऊंगा, अरे नहीं नहीं ये कैमरा ये रिकॉर्डिंग बनाता है, रिकॉर्डिंग करता है रिकॉर्डिंग जब। तो भाई फाइनली ये वाले खरीद लिए अपन ने, ठीक ठाक है बढ़िया, इसमें हवा हवा रुक जाएगी आराम से, ज्यादा महंगे नहीं है, 100 रुपए के खरीद रहे। ग्लव्स वाला काम हो गया बढ़िया एकदम यार, सर्दी मरते मरते जाना पड़ता था, काफी सारी चीजें मिलती हैं। अब देखो कितने टाइप के मफलर टंगे हुए हैं, और मेरे पास ऑलरेडी मफलर है बट फिलहाल के लिए बहुत है आज के लिए। वेरी गुड,
बहुत ही बढ़िया एवेंजर वाले भाई साहब, क्या हाल है, डेढ़ सौ बना रखे आपने। सब लोग जल्दीबाजी में चलाते हैं भाई साहब, यहाँ पे अंधी गाड़ी चलाते हैं। ये देखो ऑटो वाले में कार अलग घुसेगा, ऑटो वालों को तो भयंकर जल्दी देती है, पता नहीं इनको कौन सी फ्लाइट छूट रही होती है, बहुत तेज चलाते हैं। अच्छा जान इनकी खुद की रिस्क पे वो अलग बात है, साथ में जो सवारी बैठी पीछे ये उनकी जान को भी रिस्क पे ले चलते हैं। पता नहीं ऑटो और पलटी बोझोली मारता ऑटो, सवारी जो बैठी हुई उनकी उनकी जान हथेली पे रखी देती, उनको पता भी नहीं होता और वो भरोसा करके बैठे होते हैं। ये बारात पता नहीं कब आगे बढ़ेगी यार, जब भी निकलता हूँ यहीं खड़ी रहती है। सब्जी के सनम, अरे वाह यार, इन पे बहुत बढ़िया बढ़िया लाइन लिखी रहती है ट्रक के पीछे, उस पर लिख रहा सब्जी के सनम, सब्जियों का व्यापार करता होगा ये भाई। तो भाई घर पहुंचते हैं, अभी ये जस्ट ऑफिस आ गया बेटा, और बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, मतलब इच्छा ही नहीं कर रही थी, सर्दी इतनी खतरनाक पड़ रही थी, मेरे पास कंटेंट खत्म हो चुका था, बोरिंग से कंटेंट अपन दिखाना नहीं चाहते, तो इसीलिए आज चाय शाय पे दोस्तों से मुलाकात होगी, दोस्तों से मिले हुए काफी टाइम हो गया, तो वहाँ भी चलेंगे, बाकी देखते हैं, अभी फिलहाल कुछ प्लान है नहीं, तो मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ। तो भाई नेट का रिचार्ज खत्म हो गया था फाइबर का, तो वो अपन ने कर लिया एकदम बढ़िया, भरपूर नेट है अपने पास, काफी सारे कॉन्टेंट वगैरह क्रिएट करेंगे और काफी सारे काम पड़े पेंडिंग, वो भी निपटाएंगे। तो फिलहाल जो है एक पार्सल आया हुआ है, इसमें मैंने शायद सर्दियों वाला कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर ऑर्डर किया था, मॉइस्चराइजर होना चाहिए इसके अंदर, फटाफट से खोल के देखते हैं। कई बार मैंने प्रोडक्ट काट दिए अनबॉक्सिंग के चक्कर में, ऐसे ब्लेड मारता हूँ खींच के, एकदम जैकेट कट गई। लेकमे का पीच मिल्क भाई साहब, ये वाला यूज करता हूँ मैं सर्दी में, मॉइस्चराइजर बढ़िया रहता है एकदम शानदार। ये होती है रेवड़ी, गजक रेवड़ी, एक तो ये और एक ये मूंगफली, ये दो चीजें मैं जरूर रखता हूँ साथ में, तो खाते खाते एडिट करते हैं, मजा आता है। सर्दी का हाल ये है भाई कि बैठे बैठे ना रूम में हाथ ठंडे पड़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, मतलब इसका मतलब शाम होते होते सर्दी का जो है टेम्परेचर डाउन होता जा रहा, गलन बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे काम वगैरह जो है निपट चुका है, एक दो वीडियो अपलोड भी कर दिए, लगभग 9:30 बज चुके हैं, तो चलते हैं चाय कॉफी भी के आते हैं, एक आध राउंड लगा के आते हैं। मैंने ब्रदर की स्प्लेंडर बाइक मंगा ली, मेरी वाली खराब हो चुकी है, बहुत जल्दी एक नई बाइक लेने वाले हैं, फिलहाल मार्केट चलते हैं। ये लाइट ने बढ़िया माहौल जमा रखा है एकदम, ऐसा ब्यूटीफुल से लगता है माहौल एकदम, क्यूट लगती है कार मेरे को, जेन। ओ भाई साहब आंटी भगा रही है भाई साहब अंदर, आंटी बैठी हुई, मैं दिखाता हूँ, देखो भाई साहब आंटी बैठी हुई प्रो राइडर बन के अंदर, और एजेड है, 50-60 साल की होगी आंटी की एज, कितनी बढ़िया कंडीशन में रखी है यार ये मारुति जेन। ये देखो भाई साहब काफी, ओ भाई साहब ये तो 60-70 साल की है आंटी है, गजब चला रही है, अच्छी खासी स्पीड पे दौड़ा रही है मारुति जेन को। अच्छा चाय जो शब्द है चाय, ये जो एमपी साइड देखा आपने, एमपी की बॉर्डर टच पे जो गाँव है, तो वहाँ के लोग इसको चाह बोलते हैं, चाह, CHAH, चाह। चाय पी लिए भाई, अब जरा निकलते हैं यहाँ से और गड्डी स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक चाय तो पी लिए, ग्रुप में मैसेज छोड़ा है दोस्त लोगों को, आते हैं भाई लोग तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ताकि एक चाय उनके साथ ही पी लेंगे, मिलना नहीं हो पता ना, तो वीकेंड पे ही टाइम मिल पाता है कि सब दोस्तों से मुलाकात हो जाए, एक बार बैठ लें बातचीत हो जाए। थोड़ी देर में आने का प्लान है उनका, देखते हैं, 10 बज चुकी है, 10-15 मिनट और वेट कर लेते हैं। बाजू में तलवंडी पे एक चाय की थड़ी है, वहाँ वो लोग आएंगे। साले दोस्तों का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक भी बंदा नहीं आया अभी तक, कॉल भी कर लिया उठा नहीं था कोई भी, तो मैं निकल रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ से, अब 10:30 बज चुके हैं तो निकलते हैं, और ये लोग तो लेट आएंगे, तो इसलिए भाई मैं तो निकल रहा हूँ, सीधा घर की तरफ रवानगी लेते हैं। कोई तो फोन कर रहा है भाई साहब, देखते हैं किसका फोन है, उठाते हैं उठाते हैं उठाते हैं उठाते हैं, इरफान का फोन है। हाँ भाई, कहाँ है यार, फोन किया था मैं इधर ही था, जवाहरनगर साइड। अच्छा, अरे मैं अभी बस फोन पे बात कर रहा था यार, कि चाय पीने नहीं आ रही आजकल, बैठ रहे ना, आ जाना। मैं तो अब रवानगी ले रहा हूँ यहीं से, अभी तो इधर ही हूँ जवाहरनगर ही हूँ। तो आज सब आ गए हैं, कहाँ आ गए, रोज के घर पे पहुँचने की बोल रहा है, जिशान का फोन आया है, फिर वहाँ से पैदल आओगे, वहाँ से पैदल नहीं, अपन तो गाड़ी वाड़ी से चलेंगे, नहीं तो नहीं चलना ऐसे, तो पैदल की बोल रहा हो तो क्या, पैदल आएंगे हम तो। हाँ तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है तुम लोग आओ चाय पियो, मैं तो जा रहा हूँ। चल ठीक है फिर, है ना, मिलता कल। ये देखो आ रहा हूँ मैं, 15 मिनट में रुक जाओ, मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में।